और अब बात पठान के तूफान की। पठान आ चुका है और ऐसा आया कि बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया है। पठान की खुमारी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। हर जगह सिर्फ पठान 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 ही गूंज रहा है। रिलीज के पहले दिन पठान ने 55 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और ये शाहरुख खान की अब तक की सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे ओपनर फिल्म बन गई है। पठान ने कमाई के मामले में केजीएफ 2 को भी धूल चिटा दी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पठान के बाद बॉलीवुड के बॉयकॉट कल्चर पर फुल स्टॉप लग जाएगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। आ गई पठान की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने पठान मूवी को बायकॉट करे उनको एक बार फिजिकली जाके मूवी देखनी चाहिए। पठान लेकिन पूरी मूवी पूरी देशभक्ति वाली मूवी है। बहुत बढ़िया मूवी है। एक बार वॉच की नहीं है, आप बार बार दिखे। 5 साल बाद SRK का त्योहार, फैंस के क्या है विचार? कंप्लीट एंटरटेनर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस फिल्म से। इस फिल्म में स्टार्स है, स्टार पावर है, स्केल है, सॉन्ग्स है, स्टंट्स है, एक्शन है, लोकेशंस हैं, मतलब जो आप चाहें वो है। एंड ऑफकोर्स सरप्राइजेस भी है। एंड ऑफकोर्स शाहरुख खान लाइक नेवर बिफोर, एक शानदार वापसी। 5 दिन में 200 करोड़ कैसे कमाएगी पठान? बवाल, धमाल, कमाल, बेमिसाल, जिससे पूछो बस यही कह रहा है। पठान फिल्म कैसी है ये तो आप खुद देखकर तय कीजिए, लेकिन फिल्म ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं और क्या क्या बनाने वाली है ये हम आपको बता देते हैं। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के मुताबिक पठान हिंदी फिल्मों की अब तक की सबसे बड़ी रिलीज है। वो पूरी दुनिया में 8,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, देश भर में 5,500 और बाकी दुनिया में 2,500 स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग के मामले में पठान दूसरे नंबर पर है। पठान के 5,56,000 एडवांस टिकट बुक हुए थे। पहले नंबर पर बाहुबली 2 है जिसके 6.5 लाख टिकट बुक हुए थे। पठान ने KGF 2 को पीछे छोड़ा है जिसके 5,15,000 टिकट बुक हुए थे। तरण आदर्श का अनुमान है कि पठान पहले ही दिन 45 से 50 करोड़ रुपए की कमाई करेगी। 26 जनवरी की छुट्टी है इसलिए कमाई और ज्यादा होने की उम्मीद है। इसके बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद है। तरण आदर्श का अनुमान है कि इन 5 दिनों में पठान 200 करोड़ की कमाई कर लेगी। तो ये कि जैसा ही पहला शो खत्म हुआ तो मुझे इमीडिएटली यशराज वालों ने ऑफिशियली बता दिया है कि पहले शो के बाद 300 शोज और बढ़ गए हैं। तो ये जो 300 शोज बढ़े हैं इस फिल्म के, इससे साबित होता है कि दर्शकों को फिल्म पसंद आ रही है। इसको इससे पता चलता है कि जो थिएटर वाले उनमें उत्सुकता है फिल्म को लगाने की। दूसरी बात, ये जो फिल्म है ये अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो सबसे बड़ी रिलीज है। 5,500 स्क्रीन हिंदुस्तान में रिलीज हो चुकी है। इससे पहले कोई हिंदी फिल्म इतने बड़े पैमाने पर रिलीज नहीं हुई थी। 2,500 स्क्रीन विदेशी मुल्कों में, तो टोटल 8,000 स्क्रीन में ये विश्व भर में रिलीज हो गई है। इसका हिंदुस्तान में बिजनेस कैसा रहेगा, मैं सोचता हूँ, ये मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ बट शायद ये मेरा अनुमान सही भी निकले। मैं सोचता हूँ पहले दिन की कमाई तकरीबन 45 करोड़ होनी चाहिए या उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। 26 जनवरी की छुट्टी है और स्काई इज द लिमिट, फिल्म का बिजनेस आसमान छुएगा। और मेरा ये भी मानना है कि ये 5 दिन का वीकेंड है, तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 5 दिन को मिलाकर मुझे लगता है तकरीबन 200 करोड़ रुपए इसका नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तरण आदर्श के अनुमान हवा हवाई नहीं लग रहे हैं। देश भर में पठान को लेकर क्रेज भी ऐसा ही दिख रहा है। शाहरुख खान की फिल्म पूरे 5 साल के बाद आई है इसीलिए उनके फैंस से इंतजार नहीं हो रहा। कहीं भीड़ थिएटर खुलने से पहले ही जबरन अंदर दाखिल हो गई। तो कहीं शाहरुख खान के फैंस थिएटर में ही नाचने लगे। कहीं शाहरुख के पोस्टर को दूध से नहलाया गया। तो कोई मूवी देखकर इतना भावुक हो गया कि रोने ही लगा। इसीलिए तो शाहरुख खान को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है। सुपर ब्रो, सुपर, सुपर ब्रो, उनके फैंस से खुद सुनिए। थिएटर से बाहर निकलते हुए कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो मूवी को
खराब बता रहा हूँ। बहुत अच्छी है, जिन लोगों ने पठान मूवी को बैकआउट करे उनको एक बार फिजिकली जाके मूवी देखी। पठान मेरे लिए नहीं गया। अनबीटेबल, जिसने बाइकआउट की थी ना उसने सिर्फ एक जजमेंट में किया था कि रंगे, लेकिन पूरी मूवी पूरी देशभक्ति वाली मूवी है, आपको इमोशन आपके आंसू भी निकलेंगे, आपको मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। तमाम लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया मूवी है, एक बार वॉच की नहीं है, आप बार बार दिखे। कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा थी, कुछ कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी मूवी है, मूवी ब्लॉकबस्टर, 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 सुपर हिट मूवी, 5 में से 5 स्टार, 5 में से 5। बॉयकॉट करने की बात, नो नो बॉयकॉट, कोई बॉयकॉट, कोई बॉयकॉट नहीं, सब सजेस्ट कर रहे हैं, बवाल मूवी है, एकदम एंटरटेनमेंट, मजा आ जाएगा, आप भी देखने जाओ, आप भी देखने जाओ सबको, एकदम। कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी थी, शाहरुख खान, दीपिका, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी। सलमान भी आए, हाँ सलमान आया है, टाइगर भाई आए हैं, और लास्ट में ये भी बोला गया है कि फिर से मूवी हम लोग ही करते हैं, हमारी जगह कोई नहीं ले पाएगा, ऐसा बताया है। थैंक यू। तो कैसी लगी? सुपर हिट, मजेदार, व्हाट अ कमबैक, अमेजिंग। 4 साल बाद शाहरुख खान स्क्रीन पे, मजा आया? मजा आया, और देखना चाहते हैं, अब तो ये शुरुआत है, पठान 2 आने दो, तब देखेंगे। बहुत अच्छी थी, 5 साल बाद एंट्री अच्छी थी, इतने टाइम बाद शाहरुख खान स्क्रीन पे, मजा आया, बहुत मजा आया। तमाम फिल्म समीक्षक भी पठान को ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं। भारत के बड़े फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने पठान को 4.5 स्टार दिए हैं। मूवी क्रिटिक रोहित जायसवाल ने भी पठान को 4.5 स्टार दिए हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित केडल ने भी पठान को 4.5 स्टार दिए हैं। कंप्लीट एंटरटेनर, कंप्लीट एंटरटेनर, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस फिल्म से। इस फिल्म में स्टार्स है, स्टार पावर है, स्केल है, सॉन्ग्स है, स्टंट्स है, एक्शन है, लोकेशंस हैं, मतलब जो आप चाहें वो है, एंड ऑफकोर्स सरप्राइजेस भी है, सरप्राइजेस भी है, एंड ऑफकोर्स शाहरुख खान लाइक नेवर बिफोर, एक शानदार वापसी। आप एक पर्टिकुलर एज के हैं, उसके बावजूद जो उन्होंने एक्शन किया है, और मैं कहूंगा कि लाजवाब एक्शन है इस फिल्म में, ऐसा एक्शन मैंने हिंदी सिनेमा के पर्दे पे आज तक नहीं देखा है। और ये कितनी खुशी की बात है कि ये जो फिल्म है ये एक लेवल हिंदी सिनेमा को ऊपर ही लेके जाती है। कहीं ऐसा महसूस नहीं होता कि आपने यार ये क्या देख लिया हमने, मतलब ये देखने आए थे क्या, जो सवेरे 7 बजे के शो या 6 बजे के शोज कई जगह लगे हैं, तो क्या हम ये देखने आए थे? मैं कहूंगा कि जो निर्देशक हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने, उनको भी शाबाशी है, उनको डिस्टिंक्शन मार्क्स है, और प्रोड्यूसर यशराज फिल्म आदित्य चोपड़ा को डिस्टिंक्शन मार्क्स है कि उन्होंने इस तरह की फिल्म को, जो हम कहते हैं कि आजकल आप बड़े पर्दे पर फिल्म बनाइए, बड़े पर्दे पर लोग फिल्म देखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बहुत ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसी फिल्में दुनिया भर में क्रिटिक प्रूफ मानी जाती हैं, यू नो, इसकी रिव्यूज का खास मायने होता नहीं है, बट अगर मैं पर्सनली एज अ व्यूअर अगर बात करूं तो यस, इतना खर्चा किया गया है, इतने सारे स्टंट सीक्वेंसेस हैं, इतने सारे चेस सीक्वेंसेस हैं, चाहे वो गाड़ी हो, हेलीकॉप्टर हो, ट्रेन हो, बजूका हो, मिसाइल हो, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ा है, बस एक चीज छोड़ दिया है कि बस रिस्पाइट नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं मिलता कि थोड़ा सा भी ठहराव हो, मतलब एक के बाद। बट ये जरूर कहूंगा कि इसके जो असली स्पेक्टिकल है वो शाहरुख खान है, मतलब फिटनेस गोल्स उन्होंने सेट किया है, 57 है उनकी उम्र, राइट, एंड वो जब आते हैं अपने सिक्स पैक के साथ, इट्स इनक्रेडिबल। इतने साल में मुझे लगता है सबसे गुड लुकिंग शाहरुख खान ये वर्जन है। पठान की रिलीज वाले दिन विरोध भी खूब हुआ, कई शहरों में विरोध देखने को मिला।
इंदौर के सपना संगीता मल्टीप्लेक्स में शाहरुख की फिल्म पठान के पहले शो के लिए जब दर्शक पहुंचे तो हिंदूवादी संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया, जिसके बाद संचालकों ने शो रद्द करने का निर्णय लिया। बेंगलुरु में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। यूपी के आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के विरोध में मार्च निकाला। बिहार के भागलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म का विरोध किया। भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में एबीवीपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़कर विरोध दर्ज कराया। दरअसल फिल्म में बेशरम रंग गाने में दीपिका पादुकोण के पहनावे को लेकर हिंदूवादी संगठन इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पठान जब रिलीज हुई तो उसमें गाने का यह हिस्सा नहीं था, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उसे हटा दिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।